हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूं अनुराधा और आज की इस वीडियो में मैं फिर से करने वाली हूं एक प्रोडक्ट का रिव्यू। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने प्रोडक्ट खुद परचेस किया है और उसके बाद काफी बार मैंने इसको यूज किया है, तो वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। तो गाइस, वीडियो पूरी जरूर देखना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। ये है फ्लोमार का वाटरप्रूफ आईलाइनर, जिसमें मैंने शेड परचेस किया था 104। ये ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा शेड है, इसमें काफी सारे शेड आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया था, बट ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये है 275 का, बट अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज, 275 के अंदर मिलता है ये 1.14 ग्राम का प्रोडक्ट। और गाइस, साथ ही इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, तो ये स्मच्ड प्रूफ आईलाइनर नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने इसको लगाया है ये पूरी तरह से फैल जाता है। कुल मिला के मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो अभी मैं इसको अपने आईज पर अप्लाई करूंगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मैं अपने हाथ के ऊपर भी इसका स्वॉच आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफी पिगमेंटेड है, बट हाँ, स्मच प्रूफ ये बिल्कुल नहीं है। मैं जितनी बार भी इसको अप्लाई करती हूँ ये बहुत जल्दी स्मच हो जाता है। तो आप लोग खुद देखो, मैंने सिर्फ हल्का सा रब किया है, मतलब ये एकदम क्लीन हो गया है। और जो अच्छे आईलाइनर होते हैं वो इतना इजीली रिमूव नहीं होते हैं, बट इसको आप लोग देख सकते हो मैंने कितने हल्के हाथों से रब किया है और ये रिमूव हो गया है। तो आई थिंक एज पर प्राइस ये प्रोडक्ट मुझे सही नहीं लगा है, सिर्फ मेरा मनी वेस्ट हुआ है इसको परचेज करने के बाद। तो ये स्मच प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि ये आईलाइनर सच में वाटरप्रूफ आईलाइनर है, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर दो। सो गाइज, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।